नमस्ते सलाम सत्यकाल, वेलकम टू यारवीं सवारी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। जी हाँ, आज एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके लिए औली के लिए। जी हाँ, औली उत्तराखंड का एक छोटा सा भाग है जो कि 5 से 7 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। यहाँ पे कई देवदार के वृक्ष हैं, साथ ही यहाँ पे जो बर्फ पड़ती है उसके लिए काफी फेमस है। जो मेन अट्रैक्शन है औली का वो है इसकी बर्फ। जी हाँ, वहाँ पे जो बर्फ पड़ती है वो देखने में काफी अच्छा लगता है, काफी टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। हालांकि कई सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएंगी, जैसे स्लेज वगैरह ये सब नहीं होंगी सुविधाएं, लेकिन हाँ ये फेमस है स्कीइंग के लिए। स्कीइंग के लिए वहाँ पे काफी सुविधाएं दी गई हैं, जिसके लिए आपको एक नॉमिनल अमाउंट पे करना होता है और आपको वहाँ पे स्कीइंग सिखाई जाती है। कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी वहाँ पे कराए जाते हैं और कुछ नॉन सर्टिफिकेट भी कोर्स कराए जाते हैं, तो आपको जो भी सूटेबल है वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं गाइस जो औली के लिए हैं, आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्या होगा, इसका बजट क्या है, ट्रिप में, ये सभी चीजें आपको आगे वीडियो में पता चलने वाली है। तो बिना स्किप करे वीडियो देखते रहिए और बने रहिए यारों की सफारी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, औली एक छोटा सा हिल स्टेशन है जहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट जाते हैं। यह जोशीमठ के पास ही स्थित है। औली टूरिस्ट को वहाँ की खूबसूरती के अलावा स्कीइंग के लिए भी अट्रैक्ट करता है। यहाँ स्कीइंग के कोर्स भी कराए जाते हैं। औली जोशीमठ के लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ स्कीइंग के अलावा आप रोप वे, कैंपिंग, लेक व्यू और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम दिसंबर से मार्च का है। औली दिल्ली से लगभग 540 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले जोशीमठ आना होता है, जहाँ से औली की दूरी मात्र 16 किलोमीटर रह जाती है। औली आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हरिद्वार। औली में होटल की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, इसलिए मेरी ओर से आपको राय है कि आप होटल जोशीमठ में ही लें, क्योंकि वहाँ से औली केवल 16 किलोमीटर दूर रह जाता है, तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके टूर बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले आप जोशीमठ से औली के लिए जाएं। वहाँ जाने के लिए आप बस, कार और रोपवे की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। समय बचाना चाहते हैं तो रोपवे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, औली पहुंचकर आप स्कीइंग करना ना भूलें, साथ ही यहाँ बहुत सारी प्ले एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं, तो आप उनमें भी भाग जरूर लें। औली में पहला दिन आपका आसानी से स्पेंड हो जाएगा। यदि आप एक और दिन वहाँ बिताना चाहते हैं तो आप दूसरे दिन गुरसो बुग्याल की ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। यह ट्रैकिंग लगभग 3 किलोमीटर की होती है। यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम है या सांस लेने से संबंधित कोई परेशानी है तो कृपया ट्रैकिंग को अवॉइड करें। आप अगर ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो पासी में स्थित छत्रकुंड जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चेनाब लेक, हांडा देवी नेशनल पार्क, त्रिशूल पीक और तपोवन हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। लेकिन इन सभी जगह को घूमने के लिए आपके पास लगभग 4 से 5 दिन का समय होना चाहिए। अगर आप सिर्फ औली ही घूमना चाहते हैं तो आपके लिए औली में 2 दिन ही काफी रहेंगे। आइए बात करते हैं औली ट्रैवल बजट के बारे में। दोस्तों, जोशीमठ में होटल कॉस्ट पर पर्सन 1000 से 1500 रुपए के बीच आ सकता है। इसके अलावा 2 डेज का खाने पीने का खर्चा 1000 से 1200 के बीच आ सकता है। आगे अगर बात करें कन्वेंस की तो लगभग 1500 से 2000 और रोपवे का लगभग 750 रुपए खर्च आता है। टोटल टूर बजट लगभग 1 पर्सन के लिए 5 से 6 हजार रुपए का होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आप अब कब जाने वाले हैं औली। तो जब भी जाएंगे हमें प्लीज कमेंट में बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वहाँ पे। और फ्रेंड्स, मुझसे कुछ क्वेश्चन हैं आपके, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। यारों की सफारी 123 हमारी आईडी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो फ्रेंड्स, जो भी नए लोग देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, प्लीज नीचे रेड कलर के बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसी के साथ में बेल आइकन होगा तो उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके आसान लग जाए। और अगर आप फेसबुक पे भी एक्टिव है तो वहाँ पे भी हमें सर्च करके लाइक कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियोस यारों की सफारी पर डलती रहती हैं। अंदर आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं हमारे ब्लॉग्स और हमारी ट्रैवल टूर प्लान वीडियोस। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।